हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश साइड में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। जैसा कि हमने नोटिफिकेशन दिया हुआ था कि मैं अब आपको टेंस का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, यानी अब टेंस हम लोग पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो आइए मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ टेंस के इंट्रोडक्शन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड टेंस, ठीक है ना। टाइम एंड टेंस आज का टॉपिक है। तो पहले ये जानना है व्हाट इज टेंस, क्या होता है, व्हाट इज टेंस, टेंस आखिर होता क्या है। तो आइए मैं क्वेश्चन एक बनाता हूं यहाँ पे। व्हाट इज टेंस, क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है कि व्हाट इज टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल या समय, ठीक है ना। क्या होता है आंसर, क्या होगा, स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। यहां पर मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है कि व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टेंस। तो आंसर मैंने लिखा हुआ है स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड टेंस, यानी क्रिया के अलग अलग रूपों का अध्ययन करना काल कहलाता है। जैसा कि हम आप जानते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5, ये क्रिया के पांच रूप होते हैं V1 से लेकर V5 तक। और किस समय कौन सा वर्ब पढ़ना है इसका सेम समय होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं टेंस की पढ़ाई करते हैं। जैसे कि आपने किताबों में पढ़ रखा होगा इंग्लिश ग्रामर्स में कि क्रिया टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो उसके बारे में हम डीपली अध्ययन करेंगे, डीपली पढ़ाई करेंगे, उसके काइंड्स को भी पढ़ेंगे। लेकिन आज का ये जो क्लास है केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं केवल इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा। व्हाट इज टेंस, स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड टेंस। एकदम इजी लैंग्वेज है ये, कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है, इसको आप याद कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो कि क्रिया के अलग अलग रूपों का अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो, टेंस का इंट्रोडक्शन पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारी आने वाली अपडेट वीडियो जो होगी, लेटेस्ट वीडियो, आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। आपने इतना अपना कीमती समय निकाला और हमें वक्त दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।